हेलो एवरीवन, वेलकम। हम आज ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके ट्राइब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा जो लेक्चर है, ये कई सारे सीरीज में कंप्लीट होगा। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग अलग वीडियोज बनाएंगे, ठीक है। सो मूविंग अहेड विद द क्लास, व्हाट इज अ ट्राइब? ट्राइब क्या है? देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये PVTGs हैं, ये ट्राइब असम में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आता है वो है ट्राइब। ट्राइब्स होता क्या है? ट्राइब एक तरह का सोशल डिवीजन है जो कि किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में पाया जाता है। स्पेशली आप देखते होंगे कि जो फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं, वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये मेनली सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जिनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर पाया जाता है, और ये ब्लड टाइज से कनेक्टेड होते हैं। इनका अपना कॉमन कल्चर और डायलेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी ट्राइब को आप उसके कॉमन कल्चर और उसके डायलेक्ट, उसके लैंग्वेज से पकड़ सकते हैं। और ये खास करके ये सारे के सारे ट्राइब्स जो होते हैं, ये ब्लड टाइज से कनेक्टेड रहते हैं आपस में। ये बात आप बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए। इसलिए ट्राइब्स में कॉमन कल्चर का बहुत सिग्निफिकेंस है, और हमें चाहिए कि ये कल्चर हम हमेशा प्रिजर्व रखें ताकि ट्राइब की अपनी डाइवर्सिटी, उनकी अपनी एथनिसिटी मेंटेन रहे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए कि ट्राइब जो होते हैं उनकी कई सारी क्वालिटीज होते हैं, उनके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनके उनको यूनिक बनाता है, उनके कल्चर को यूनिक बनाता है, उनकी सोसाइटी एंड उनकी पॉलिटिकल एंटिटी को यूनिक बनाता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। समझ में आ गया? ट्राइब्स जो होते हैं उन्हें कई बार हम लोग आदिवासी कहते हैं, आदि मानव कहते हैं। हालांकि इनमें अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आदिवासी, ट्राइब और आदि मानव, इनको थोड़ा सा इनकी थोड़ी बहुत कैटेगराइजेशन है, पर इन जनरल हम जो है ट्राइब्स को आदिवासी कह देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके डिफाइन किया गया है, यह बात ध्यान रखिएगा। अंडर आर्टिकल 342, अगर किसी भी ट्राइब को अगर नोटिफाई कर दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को डेजिग्नेट कर दे कि पर्टिकुलर ट्राइब शेड्यूल कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो हम ऐसे ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, ठीक है। जैसे गोंद एक ट्राइब है, ठीक है, जो अक्सर आपको सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। फिर होर, वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। समझ में आ गया? तो शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डेजिग्नेट कर दिया, उनको शेड्यूल्ड कर रखा है। अब जितने भी ट्राइबल स्कीम्स आएंगे तो उनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर ही जो है, अगर कुछ क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं तो कुछ सभी वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो ट्राइब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर हम ट्राइब्स इन इंडिया की बात करें तो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस मैप में देखें तो आपको पता चलेगा कि जो एक सर्टेन रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ट्राइब की जो डेंसिटी है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा मिलेगी, सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा मिलेगी, और कुछ साउथ इंडिया में भी ज़्यादा मिलेगी। फिर आप अंडमान निकोबार में देख लें तो वहाँ भी आपको खूब ज़्यादा डेंसिटी मिलेगा। तो ट्राइबल डेंसिटी आपको खुद पुदुचेरी के कुछ लक्षद्वीप के कुछ पार्ट में आपको जो है ट्राइबल डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की, तो इंडिया में अगर उनके पॉपुलेशन की बात करें तो 10.43 करोड़ पॉपुलेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.6% पॉपुलेशन जो है वो केवल ट्राइब्स का है। इसीलिए आप जरा गौर करिएगा कि करीब करीब 8.5% का ही रिजर्वेशन दिया जाता है इनके पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से। हालांकि ट्राइब के लिए बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स आए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका काफ़ी ध्यान दिया है ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आप जैसे कि देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। जितनी पॉपुलेशन है उतना ही ज़्यादा लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में भी इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो इनके लिए काफ़ी ध्यान दिया गया शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बात ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो शेड्यूल 5 के रीजन है उनमें सबसे ज़्यादा जो 10 स्टेट्स आते हैं, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो स्टेट्स हैं जिसमें
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली 83.2%, वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। इस ये मान के रख लो कि सारे ट्राइब्स यही पाए जाते हैं। आपने गौर किया होगा तो या तो ये सेंट्रल इंडिया में है या फिर आप जो है साउथ इंडिया में है ज्यादातर ट्राइब्स इनकी। बाकी 15.3% ट्राइब जो है वो नॉर्थ ईस्ट और कुछ हिली स्टेट्स में है, जैसे कि आपका असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये कुछ ट्राइबल बैंड्स हैं जिसमें इंडिया के करीब करीब आप ये मान के रखें कि 100% पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइबल बेल्ट की बात करूं तो सेंट्रल इंडिया, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके बाद साउथ इंडिया के कुछ स्टेट स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये बात ध्यान। अब सवाल उठता है कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल क्या है। देखिए मोटा मोटा डिफरेंस मैं आपको समझाऊँ। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो बेसिकली 10 स्टेट्स को फिफ्थ शेड्यूल के अंदर रखा गया है जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन सब्सटेंशियल अमाउंट में। ठीक है, अब इन शेड्यूल को बेसिकली जो भी हम अगर ट्राइबल प्लान्स इंप्लीमेंट करना हो या फिर अगर हम कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इन स्टेट्स में खासा ध्यान रखेंगे। और अगर हमें ट्राइबल सब प्लान बनाना है, फंड्स एलोकेट करना है तो इन स्टेट्स में ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनमें स्पेशल काउंसिल्स बनाए गए हैं फिफ्थ शेड्यूल में ताकि इनका जो रीजन है, इनका इनमें जो ट्राइबल ग्रोथ है और ट्राइबल कल्चर प्रोटेक्शन है वो मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है। सिक्स शेड्यूल जो है ये कुछ चार स्टेट्स को मिलाकर बनाए गए हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये चार स्टेट्स को शेड्यूल ट्राइब्स में सिक्स शेड्यूल में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये ट्राइब्स ऐसे माने जा रहे हैं, इन स्टेट्स में जो ट्राइब्स हैं माने जा रहे हैं कि ये रेस्ट ऑफ द इंडिया से सिमिलेट नहीं हुए। देखिए पहले इस बात को समझिए, हालांकि भारत के करीब करीब सभी राज्यों में, पंजाब हरियाणा वगैरह को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी स्टेट्स में आपको कुछ ना कुछ ट्राइब्स मिलते हैं, तो इन ट्राइब्स ने अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से असिमिलेट कर लिया है। ठीक है, तो इनके कल्चर में कुछ तो ट्राइबल कल्चर में दिखता है और कुछ एक्सटर्नल कल्चर भी दिखता है। देखिए ट्राइबल का अपना भी सेल्फ है जो जनरेशन टू जनरेशन उसे मिला है, उनका अपना भी डिस्टिंक्ट कल्चर है। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो बींग अफेक्टेड बाई द आउटसाइड कल्चर, जो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में देख रहे हैं उससे भी वो अफेक्ट हुए हैं। समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्राइब्स में कल्चरल लॉस देखने को मिलता है और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए नॉस्टैल्जिक भी है, कुछ बहुत ज़्यादा एसिमिलेट होगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो अभी भी कुछ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को और जो उनका जो जो यूनिक कल्चर उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो उनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इनमें जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वो मेन स्ट्रीम इंडिया से अभी भी नहीं मिले हैं, उनके अपने कल्चर हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने सिविलाइजेशन हैं। यही रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिक्स शेड्यूल उनके लिए अलग पोजीशन बनाया गया है जिनके अंदर उनके लिए अपने लेजिस्लेटिव राइट्स, उनके अपने एग्जीक्यूटिव राइट्स और जहाँ तक कि उन्हें जुडिशियल राइट्स भी दिए गए हैं, उनके अपने ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं। समझ में आ रहा है, तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है ताकि उनके कल्चरल इंटैक्ट हो सके, उन पर एक्सटर्नल कल्चर का इम्पोजिशन ना हो सके इसलिए बनाया गया है, और उनका प्रोटेक्शन हो सके और हम एक साथ उनके पर जो है पूरी तरीके से ध्यान रख दे सके, उनके कल्चर को ज़्यादा इफेक्ट ना करें। ये बात ध्यान रखिएगा। ट्राइबल डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइबल पंचशील का सिद्धांत दिया है। ट्राइबल पंचशील में कुछ बातें कही गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि हम उन पर बहुत ज़्यादा इम्पोज ना करें अपने वैल्यूज, हम अपने डेवलपमेंट से उनके डेवलपमेंट को ना मेजर करें, हम उनके डेवलपमेंट को उनके ही लाइंस पर होने दें जिस तरीके से वो अपने डेवलपमेंट को चाहते हैं, ताकि उनका ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर प्रोटेक्ट रहे। ट्राइबल के लैंड और फॉरेस्ट को हम रिस्पेक्ट करें, हम ट्राई करें कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन हो वो उन्हीं के लोगों द्वारा हो, ऐसा ना हो कि हम अपना टीम बिल्ड करके वहां पर अपने कल्चर इम्पोज करके उसे डेवलपमेंट समझे। हो सकता है कि ब्रिजेस डेवलपमेंट करना किसी रीजन के डेवलपमेंट का बेसिक नींव हो, एक बेसिक पिलर हो,
लेकिन ट्राइबल डेवलपमेंट को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं देखा जा सकता है, उनके कल्चर डेवलपमेंट से हो सकता है। हमें उनके कल्चर को भी डिस्टिंक्ट रखना है, एट द सेम टाइम हमें उसे अलूप करके ना रखते हुए हमें उनको डेवलप भी करना है, हमें उस एरिया को ओवर एडमिनिस्टर नहीं करना है, समझ में आ रहा है। हम वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स नहीं लाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं के सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन से उनका डेवलपमेंट करें। उनके डेवलपमेंट के लिए हम अपनी स्टैटिस्टिक्स और अपने अमाउंट ऑफ मनी को नहीं कैलकुलेट कर सकते। उनके डेवलपमेंट में किस तरीके से उनका ह्यूमन कैरेक्टर बिल्ड होता है उस पर देखेंगे। तो इन शॉर्ट ट्राइबल पंचशील में ये कहा गया है कि किस तरीके से उनका डेवलपमेंट अपनी तरीके से किया जा सकता है। इस बात को आप समझिए, ज्यादा हम एडमिनिस्टर नहीं करें, उनके कल्चर डेवलपमेंट को हम उनकी तरफ से देखने की कोशिश करें। ये बात आप समझने की कोशिश की। अब हम पहले स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आंध्र प्रदेश। पहले हम ये देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब, जो बड़े मुख्य ट्राइब पाए जाते हैं वो है अंध, उसके बाद आपके आते हैं साधु अंध, इसके बाद आते हैं बगाता, भेल, चिंचू, चिंचू बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है यहाँ की, गदाबाद, गोंद, गोंद तो आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी जगहों में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं गोंडू, चतपूज, कतकमारा ट्राइब्स, इसके बाद कत्तुनायकन, कोलावर, कोलम, कोंडा, मन्ना, दोरा, इसके बाद प्रधान, रोना, सवारा, सवारे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब, तब्बा, येरुकालू, इसके बाद नक्कल्ला, इसके बाद धुलिया, कोटी, सुगालिस, बंजारा, बंजारा इज अ नोमैडिक ट्राइब, इसके बाद कोंडारा रेड्डी, कोंडारा रेड्डी आपने सुना होगा कई बार, कोया, मुखा, होरा, वाल्मीकि, केनादीस, सुगालीस, लंबादीस, दीज आर ऑल ट्राइब्स। समझ में आ रहा है आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं आंध्र प्रदेश के। इसमें आप इस पीडीएफ का ये पहला पार्ट भी अगर रट लेंगे ना तो आपके एग्जाम में बहुत इससे डायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो वेरियस आंध्र प्रदेश ट्राइब्स में कुछ पिकुलियर फीचर्स हैं जो पाए जाते हैं। पहली बात तो मैं बता दूँ कि ज़्यादातर ट्राइब या तो दक्कन प्लेटू में पाए जाते हैं या गोदावरी रिवर या कृष्णा रिवर के पास पाए जाते हैं। इसके अलावा जो तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है यहाँ की वो है चिंचू, जो श्रीसाइलम हिल्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा गदाबास, सवारास एंड कोयास, ये आपको भद्राचलन या सिम्हाचलन हिली एरिया में पाए जाते हैं। इसके अंदर 33 ट्राइब पाए जाते हैं, कोंद है, कोलामीज है, कोयाकोट्स हैं, कोयास हैं, एक्सेट्रा, समझ में आ रहा है, ये ट्राइब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर कुछ नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं जो बैलेट सिंगिंग करते हैं। बैलेट डांस एंड बैलेट सिंगिंग आपने सुना होगा, तो यहाँ पे करते हैं, जिसमें आपका आता है बाल संता, शारदा कद्रू, इसके बाद वीरम सित्रुवरु, इसके बाद आता है बाबा निल्लू, ये सब ट्राइब्स यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ज़्यादातर ट्राइबल जोन जो है वो आंध्र प्रदेश का कुछ जो दक्कन प्लेटू वाले रीजन में है, कुछ इस रीजन में है, कुछ कृष्ण गोदावरी रीजन में है, एक ये रीजन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये रीजन हो गया, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का मैप है जिसमें आपको दिख रहा है, हालांकि इसमें तेलंगाना अलग नहीं किया गया है, आंध्र प्रदेश को कम्बाइंड दिखाया है। सवारा ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो ये ज़्यादातर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है आपको याद रखना चाहिए, ये ज़्यादातर विशाखापत्तनम और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये लॉफ्टी हिल, माउंटेन स्ट्रीम्स और कई सारी जो जो डीप गैपिंग वैलीज हैं, राइस फील्ड्स हैं, यहाँ पाए जाते हैं। एक बात जो सवारा ट्राइब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर बेसिकली इरिगेशन इंजीनियर्स, इनकी जो सिंचाई व्यवस्था है, इरिगेशन फैसिलिटी है, ये बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अगर इन पर बात करें तो इनके अंदर एक प्रिमिटिव सेंस ऑफ विलेज प्लानिंग है, यहाँ पर ना पैरेलल रोड में विलेजेस बनाए जाते हैं, एक घर हो गया इधर, फिर दूसरे घर यहाँ बन गए यहाँ पे, तो पैरेलल रोड में घर बनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि कितने ऑर्डर, इनमें कितना ऑर्डर है, कितनी प्लानिंग से ये घर बना रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा एक और बात बहुत यूनिक है इन लोगों के बारे में कि ये ऐत्रेय ब्राह्मण में भी सवारा ट्राइब के बारे में मेंशन है, रामायण और महाभारता में भी सवारा ट्राइब के बारे में बहुत डिटेल से मेंशन है। इसके अलावा गदाबा ट्राइब्स जो है आंध्र प्रदेश की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जयपुर, मलकागिरी, कोरापुट और पट्टांगी रीजन में पाए जाते हैं। इनके बारे में है कि ये वीविंग बार्क फाइबर क्लॉथ या वीविंग एक्टिविटी इनकी बहुत फेमस है, ये वुमेन फैब्रिक करते हैं, डाई वगैरह करते हैं,
वीविंग, अगर हम लोग इनके वीविंग स्किल का फायदा उठाएं, वी कैन डेवलप देम। देखिए क्या होगा ना, अगर आप इनके वीविंग स्किल से आप क्या करिए कि इनके इनको जीआई टैग प्रोवाइड कर दीजिए और फिर इनका जो है कमर्शलाइजेशन करिए ट्राइफेड के थ्रू, तो देखिए इनका कल्चर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और इनको पैसा भी मिल जाएगा और इनका अपना डेवलपमेंट भी होता रहेगा। तो ये इस चीज़ को छोड़ेंगे भी नहीं। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपनी जो लोकल कल्चर है उसको छोड़ के अर्बन एरियाज की तरफ चले जा रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द ट्राइबल पीपल, राइट? ये बात ध्यान रखिए। कूंद ट्राइब की अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, ये उड़ीसा और विशाखापट्टनम दोनों में पाए जाते हैं। ये दे आर बेसिकली द्रविड़ियन स्पीकिंग, ठीक है, ट्राइब होते हैं। द्रविड़ियन स्पीकिंग मतलब जो आपका तेलुगु होता है, तमिल होते हैं, कन्नड़ हो गया, ठीक है, मलयालम हो गया, दीज आर ऑल द्रविड़ियन लैंग्वेजेस, राइट? तो ये द्रविड़ियन स्पीकिंग। फिर कुछ कोया ट्राइब्स हैं। कोया ट्राइब बेसिकली गोदावरी वैली में पाया जाता है। कोया मतलब होते हैं हिल ड्वेलर, ये पहाड़ पर रहते हैं, ठीक है। इनके अपने कई सारे ऑक्यूपेशनल ट्राइब्स भी हैं, जैसे कारपेंटर होते हैं काफ़ी सारे कोयास, कुछ ब्लैक स्मिथ हैं, ब्रास वर्कर्स हैं, कुछ बास्केट मेकर्स हैं। तो ये अपने ही ऑक्यूपेशनल मतलब कस्टम्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश ट्राइब्स की बात करें तो इनके बहुत सारे अपने ट्रेडिशंस हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया वीविंग है, कुछ ब्रास वर्क करते हैं, कुछ कारपेंटर हैं, कुछ ब्लैक स्मिथ हैं। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स पे अपने आप को इंगेज रखते हैं। इनके अपने कस्टम्स हैं, इनके अपने मैनर्स हैं, हमें इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर हाल में। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इंगेज इन मेकिंग टॉयज, बास्केट्स, मैट्स, बीड्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे एक्टिविटीज में ये इंगेज हैं। हम लोग इनका इन ऑब्जेक्ट्स को ट्राइफेड में देकर इनका भारी मात्रा में कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं और एट द सेम टाइम इनका अपना कल्चर भी प्रोटेक्टेड रहेगा और इनका और ओवरऑल हम लोग इनके सामान को भी रिस्पेक्ट करेंगे और इसको एज अ सुवेनियर और एज अ डेली यूज आइटम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, असम के ट्राइब्स के बारे में जानने की कोशिश, और इस तरह से धीमे धीमे हम लोग जो हैं कई सारे ट्राइब्स के बारे में ऑल ओवर इंडिया में जान जाएंगे। तो वेरी ऑसम, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग दिस क्लास। थैंक यू।